दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के मुताबिक इंडिया में 2020 में बस 4% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। इंडिया में अभी भी मैक्सिमम लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे 5 से 7% का एनुअल रिटर्न मिलता है। अभी हमें क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? स्टॉक मार्केट और फिक्स डिपॉजिट के बीच एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन देखेंगे, और स्टॉक मार्केट में आप कैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये भी हम वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो को आप एंड तक देखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। उसके साथ आपका जो एक परसेप्शन है स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो मैं चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, अभी वीडियो को अभी तक अगर आप देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा यूट्यूब एनालिटिक्स बोलता है कि ऑलमोस्ट 70% लोग मेरे चैनल को जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, मेरा कंटेंट भी फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और ग्रोथ मिलेगा। दोस्तों, अभी हम पहला सवाल का जवाब ढूंढते हैं, जो है हमें स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और जनरली लोग क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। इसको हम रियल एग्जांपल्स और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे चेक करेंगे। उससे पहले आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर हम पैसा यूज़ करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई भाई साहब ने पैसा लगाया था और उनका पैसा सारा डूब गया, ठीक है, और वो अभी रास्ते पे आ गए। तो सारे ये जो इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है और बहुत ही सिंपल रीज़न है, इसको हम पता लगाएंगे। उससे पहले चलिए एक बार फिक्स डिपॉजिट और स्टॉक मार्केट के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट इन दोनों में से कितना रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, और ये भी पता लगाएंगे कि वो भाई साहब रास्ते पे क्यों आ गए। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में 10,000 रुपये 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 6.5% का रिटर्न के हिसाब से आपका जो 10,000 रुपीज़ था वो 14,000 रुपीज़ के आसपास बन जाता। लेकिन अभी अगर आपने स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया होता वही 5 साल के लिए, हम स्टॉक मार्केट को निफ्टी 50 के बेसिस पे चेक करेंगे, क्योंकि वो इंडिया का टॉप 50 कंपनीज़ को ट्रैक करता है। ठीक है, वो बाद में आपको मैं बता दूंगा क्या चीज़ है एग्जैक्टली, लेकिन अभी हम अगर निफ्टी 50 में आप लास्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्ट करते तो आपका वो जो 10,000 होता वो आज ऑलमोस्ट 20,000 बन गया होता। ठीक है, तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलमोस्ट 6,000 का डिफरेंस है 5 साल के अंदर। फिक्स डिपॉजिट में 14,000 बनता, मतलब 4,000 रुपये का आपका प्रॉफिट होता, और स्टॉक मार्केट में वही 10,000 आपका 20,000 बन जाता, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, और 6,000 का गैप है फिक्स डिपॉजिट और स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा क्योंकि अमाउंट छोटा है, बस इसको आप 10 लाख के बेसिस पे विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, अगर वो 10 लाख रुपये होता तो 10 लाख ऑलमोस्ट 14 लाख बन जाता, और वही 10 लाख 20 लाख बन जाता अगर आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किए होते, तो ऑलमोस्ट 6 लाख का डिफरेंस है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों। अगर आप अभी तक स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं किए हो तो आप बहुत सारे चीज़ों को मिस आउट कर रहे हो। बिना कुछ किए इधर पैसा ग्रो हुआ है, और इसको हम एक टाइप का पैसिव इनकम भी सोच सकते हैं। अभी ये सवाल तो क्लियर हो गया कि हमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। अभी दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं, जो है वो जो भाई साहब थे वो क्या गलतियाँ किए स्टॉक मार्केट में जो उनको रास्ते पे आना पड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में हम जैसे आम आदमी पहला दिन सुनता है, किसी का प्रॉफिट देख लेता है कि एक दिन में उसने 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, और वो नेक्स्ट ही दिन चला आता है स्टॉक मार्केट में और वो अपना पैसा डायरेक्टली यूज़ कर देता है। ठीक है, और क्या करता है वो, गलती सबसे बड़ा क्या होता है, वो हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस और मार्जिन ट्रेडिंग। ये 3 जगहों पे वो पैसे को जाके इन्वेस्ट कर देता है। इसमें क्या होता है, 5 मिनट में आपका पैसा डबल भी हो सकता है और 5 मिनट में आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हाई रिस्क का गेम है। यहाँ पे अगर कोई भी घुसता है तो बहुत डिफ़िकल्टीज होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है इसमें, और कोई भी बिगिनर्स के लिए ये वाला रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको ये 3 चीज़ें, फ्यूचर ऑप्शंस और मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं है, तो कोई टेंशन लेने वाले बात नहीं, क्योंकि इसको आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सिंपल स्टॉक्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। मे बी जब तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी से प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो या अच्छा एक माइंडसेट, प्रॉपर माइंडसेट बना लो, तभी ये हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में
घुसना सही रहेगा। ठीक है, अभी के लिए चलो मैं दिखाता हूँ कैसे ये जो स्टॉक मार्केट है इधर आपको इन्वेस्ट करना है डायरेक्टली। ठीक है, कौन से मेथड से आपको इन्वेस्ट करना है, क्या क्या ऐप्स अवेलेबल है, क्या चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, क्या प्रोसेस है, ये अभी जानते हैं। दोस्तों मैं आज आपको दो ऐप्स के बारे में बोलने वाला हूँ जो मैं खुद एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। पहला है ज़ीरोधा, दूसरा है ऑब्स्टक्स। दोनों में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये दोनों ऐप को यूज़ करके आप सीधा इन्वेस्ट कर पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों म्यूचुअल फंड और स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक का। अभी बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दोनों का कितना प्राइसिंग है, ठीक है, और कितना क्या आपको मेंटेनेंस चार्जेस गिनने वाला है। ठीक है, तो ज़ीरोधा का अगर आप देखो तो ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ₹300 है। ठीक है, फुल अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ₹300 गिनने वाला है। ठीक है, और उसके साथ हर साल आपको ₹300 देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की तरफ। ठीक है, ये दो है ज़ीरोधा में। अभी ऑब्स्टक्स में क्या है, ₹249 गिनने वाला है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, और ₹300 गिनने वाला है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। ठीक है, तो ज़ीरोधा और ऑब्स्टक्स में इतना ही बस फ़र्क है प्राइसिंग में। और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर नहीं जाने वाला, इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना पैसा क्या गिरता है, ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, वो सब के ऊपर मैं आप जाने नहीं वाला। आप चाहो तो उनके वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो कितना प्राइसिंग है, लेकिन बस आप इतना याद रख लो कि दोनों में प्राइसिंग का इतना ही फ़र्क है। अभी आपको ये दोनों में से कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं एक्सटेंसिवली दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करता हूँ, कोई सा भी कभी यूज़ कर लेता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप कुछ भी, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग अकाउंट पहले से ही है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे है। अभी मैं चलता हूँ ऑब्स्टक्स ऐप में और आपको शो करता हूँ कैसे आप इंडिविजुअल स्टॉक को बाय करोगे और कैसे निफ्टी 50 में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे। दोस्तों ऐप को जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा टाइम मार्केट को दे नहीं सकते, मार्केट को स्टडी ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते, या आपके पास जॉब है या टाइम नहीं है, तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप निफ्टी 50 में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उधर ही कीजिए, इंडिविजुअल स्टॉक में आप मत घुसिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, स्ट्रेस भी थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए निफ्टी 50 में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपको मैं अभी शो करूंगा, उधर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, इधर ज्यादा रिस्क थोड़ा ले सकते हो, देन डेफिनेटली आपको मैं इंडिविजुअल स्टॉक बाय करने के लिए रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक्स के ऐप में। आपको इधर शो कर रहा होगा स्क्रीन, ठीक है, अभी हम देखेंगे इंडिविजुअल स्टॉक को कैसे बाय करना है। ठीक है, तो मैं अभी ऑब्स्टक्स ऐप के स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा दोस्तों वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, फंड्स और इन्वेस्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूंगा कैसे आपको स्टॉक बाय करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। ठीक है, पहला चीज़ दोस्तों आपको पोर्टफोलियो, जब आप अकाउंट ओपन कर दोगे, मैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में बता चुका हूँ वीडियो के पहले, अभी मैं आपको बस बोलूँगा क्या आपको एग्जैक्टली करना है स्टॉक को बाय करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फंड्स पे आना है दोस्तों। फंड्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों ऐड फंड्स। ठीक है, पहले आपको पैसा ऐड करना होगा, क्योंकि पैसा ऐड करने से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे पैसे आके यहाँ पे ऐड करना है, जो भी बैंक अकाउंट आपने दिया होगा अकाउंट ओपनिंग के टाइम, वही बैंक अकाउंट लिंक होगा और उधर से ही आपको पैसा देना है, और कोई बैंक से आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है, UPI, नेट बैंकिंग आप करके पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते, पैसा यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और ये इंस्टेंट डिपॉजिट हो जाता है। आप ऐड करोगे तो इंस्टेंटली आपका अकाउंट में शो करने लगेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको पैसा विदड्रॉ करना है अपने बैंक अकाउंट को वापस, तो यहाँ पे विदड्रॉ का ऑप्शन भी है, आप डायरेक्ट विदड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों पैसा कैसे ऐड करना है और विदड्रॉ करना है। उसके बाद दोस्तों वॉच लिस्ट पर आपको जाना है। कोई अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक को बाय करना है तो यहाँ पे जो एक प्लस वाला आइकन है उधर आपको जाना है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए रिलायंस हमें सर्च करना है। ठीक है, रिलायंस सर्च करना है हमें। रिलायंस सर्च करके आप देखिए यहाँ पे रिलायंस आ गया। ठीक है, वॉच लिस्ट पर रिलायंस आ गया, रिलायंस पे जाना है। यहाँ पे बाय सेल, अगर आपको ख़रीदना है रिलायंस तो आप ख़रीद सकते हो। ठीक है, बाय जाना है और यहाँ पे ख़रीद सकते हो। ठीक है, प्राइस सेट करके ख़रीद सकते हो। दोस्तों मैं इसका ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिखा दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हो प्रोडक्ट में यहाँ पे डिलीवरी है और एक इंट्राडे है। आपको इंट्राडे नहीं करना है, आपको डिलीवरी करना है। डिलीवरी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, डिलीवरी यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी हमेशा करना है। क्वांटिटी आप कितना ज़्यादा खरीदना चाहते हो वो आप दे सकते हो। अगर आपको 10 ठो खरीदना है, जितना भी खरीदना है यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितना भी खरीदना है वो सेट करना है। उसके बाद ऑर्डर टाइप, दोस्तों ऑर्डर टाइप
आपको लिमिट करना मैक्सिमम टाइम रिकमेंडेड रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक है। अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, आपको लग रहा है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आप मार्केट ऑर्डर में बाई कर सकते हो, नहीं तो आपको लिमिट ऑर्डर ही हमेशा प्लेस करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों लिमिट ऑर्डर क्या है, अगर सोच लो कि 2110 पे अभी रिलायंस का शेयर चल रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, सोच लो कि आप चाहते हो यहाँ पे मैं बाय प्राइस 2100 लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर रिलायंस का शेयर नीचे गिरता है, ठीक है, और वो 2100 पे आ जाता है, तो अपने आप आपका बाय हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बस 2100 लिखना है और रिव्यू ऑर्डर करके कन्फर्म कर देना है, तो अपने आप ये जब भी 2100 को रिलायंस आएगा अपने आप ये बाय हो जाएगा। दोस्तों लिमिट ऑर्डर तो हो गया, अभी चलते हैं मार्केट ऑर्डर की तरफ। दोस्तों मार्केट ऑर्डर के लिए आपके पास यहाँ पे मार्केट दबाओ, और मार्केट में क्या होता है, अगर आप रिव्यू करके कंफर्म करते हो, यहाँ पे कोई बाय प्राइस आप सेट नहीं कर सकते, जो भी करंट मार्केट में प्राइस चल रहा हो, जैसे कि अभी 2110 है, तो अगर आप कंफर्म करके करते हो तो ये ऑटोमेटिकली उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा, इंस्टेंट बाय हो जाएगा, ठीक है, अगर मार्केट ऑर्डर आप प्लेस करते हो। यहाँ पे दोस्तों और दो चीज़ें, स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट। मैं आपको स्टॉप लॉस को बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बोल देता हूँ क्या चीज़ है स्टॉप लॉस। दोस्तों स्टॉप लॉस मतलब आपका लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। सोच लीजिए आप 2110 जो करंट प्राइस है वहाँ पे आपने रिलायंस का शेयर को ख़रीदा है, ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो 2100 में, ठीक है, तो क्या होगा, अगर रिलायंस का शेयर बहुत नीचे गिर जाता है तो आपका लॉस मैक्सिमम 2100 तक होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सोच लो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट लगाता हूँ और 2100 यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगाता हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर रिलायंस का शेयर सोच लो कि 2000 तक गिर जाता है, ठीक है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया था 2100 पे, तो ये नीचे गिर के जब भी 2100 पे आएगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है, तो उससे ज़्यादा लॉस आपका होने नहीं वाला। कितना भी लॉस आपको चाहिए आप अपना रिस्क के हिसाब से यहाँ पे प्राइस, ट्रिगर प्राइस या फिर स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों रिव्यू करके सेम कन्फर्म करना है, और ये हो गया दोस्तों बाइक सेल कैसे करना है, एक ओवरव्यू मैंने दे दिया। और दोस्तों एक बार जब आप स्टॉक को बाय कर देते हो तो वो आपका पोर्टफोलियो में शो करने वाला है, ठीक है, पोर्टफोलियो में जाना है और पोर्टफोलियो में वो सारा शो कर देगा स्टॉक जो बाय हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सेल करना है उस स्टॉक को, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप सेल कर सकते हो। ये पूरा ओवरव्यू हो गया स्टॉक को कैसे बाय करना है, सेल करना है, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को पूछा था कि स्टॉक कैसे बाय करना है, सेल करना है, तो मैं एक ओवरव्यू आज दे दिया। इसके बाद दोस्तों और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं जो बोला था आपको, अगर निफ्टी 50 में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो एग्जैक्ट फंड मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको बस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो ऑप्शन्स में या फिर काइट में, जीरोधा में आपको कोई भी अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको सीधा ईटी मनी ऐप को डाउनलोड करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईटी मनी को आपको डाउनलोड करना है क्योंकि यहाँ पे वहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं गिरने वाला, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस गिरने वाला है। ईटी मनी में आप स्टॉक नहीं खरीद सकते, यहाँ पे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड दोनों खरीद सकते हो, ये इसी के लिए बस ये पैसा थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन ईटी मनी में आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके अगर आपको बस निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें तो आप ऑप्शन्स नहीं तो काइट, जीरोधा को डाउनलोड करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी चलते हैं, मैं आपको शो कर लेता हूँ क्या म्यूचुअल फंड है, कौन सा इंडेक्स फंड है जो आपको बाय करना है। दोस्तों ऑप्शन्स में आपको इन्वेस्ट पे जाना है, ठीक है, इन्वेस्ट पे जाके यहाँ पे म्यूचुअल फंड शो कर रहा है, व्यू ऑल फंड्स पे जाइए, व्यू ऑल फंड्स पे जाके दोस्तों यहाँ पे सर्च पे जाइए और सर्च करना है यूटीआई इंडेक्स, ठीक है, यूटीआई इंडेक्स अगर सर्च करते हो तो दो आ जाएगा, एक आएगा डिविडेंड पे आउट और एक आएगा ग्रोथ, ठीक है, आपको ग्रोथ वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है, डिविडेंड पे आउट में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, अराउंड 2.2% के आसपास, तो आपको ग्रोथ वाला सिलेक्ट करना है। ग्रोथ में जाके आप यहाँ पे जितना भी बाय करना है बाय कर सकते हो, अगर आपको एक टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जाके आप जितना, अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके भूल जाना है तो वो कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको सीप करना है, मतलब अगर आपको हर महीने कुछ इन्वेस्ट करना है, हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो आप सिप लगा सकते हो, कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सोच लीजिए आप चाहते हो कि हर महीना 1 तारीख को आपका बैंक से 5,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो सिप में, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, इधर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है डायरेक्ट, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया कैसे आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अगर और एक चीज़ में मैं बोल दिया था, फिर भी बोल देता हूँ, अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है ओनली, आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं खरीदना है, तो आप फ्री ऐप ईटी मनी पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटी मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। और मैं बहुत ही जल्द स्टॉक्स के बारे में, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। उससे पहले नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगा तब तक के लिए गाइज बाय, टेक केयर एंड गाइज हैप्पी अर्निंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।